भाभी जी पाए लागो। भाभी ठंड के इस मौसम में लोग नहाने को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहता हूं कि वो क्या कंफ्यूज रहेंगे, ये शब्द खुद में ही एक कंफ्यूजन है। ये देखिए, नहाना, नहा ना, नहीं नहाएगा हाँ, तो नहा ना, ना हाँ ना, ये चल रहा है। खैर भाभी जी, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। जी हाँ, मेरा फंडा क्लियर है, मैं नहाऊंगा ही नहीं। क्यों नहाऊं, अपनी भाभियों की सूरत देख लेता हूँ तो मेरा मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। तो आइए ना भाभी जी, इसी फ्रेशनेस के साथ करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें। जन्मदिन पर क्या विवेक ने गाया दिव्यांका के लिए गीत? हंसती रहे तू, हंसती रहे। अमन वंदना की लव स्टोरी दिखी जब हुआ संगीत? इनके हाथ में तो मेरा नाम भी है। अब नागिन बचाएगी रुद्र की जान? रूही को मिला रमन का साथ? तो भाई, टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अमन वर्मा की शादी हो रही है और वो मेरे लिए एक भाभी लेकर आ रहे हैं। इससे एक बात तो तय है कि शादी के बाद भाभी यही कहेंगी कि इनका तो पता नहीं पर मेरी जिंदगी में अमन आ गया। बजा बाजा, काफी गाए गए गीत। आफ्टर ऑल ये है अमन वर्मा और वंदना का संगीत। वैसे परफॉर्मेंस की लिस्ट थोड़ी लंबी है, इसीलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो स्पेशल परफॉर्मेंस जहां अमन और वंदना की लव स्टोरी दिखाई देती है। शाम को बनाने के लिए और रंगीन, अब आपको दिखाते हैं आरती और लवीना का ये डांस बेहतरीन। अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलो इस कदर के मच जाए रे गदर, होश वाले भी मत होश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया। शूटिंग के सेट पर हुई मुलाकात कब बन गई इतनी खास कि आज दोनों हैं एक साथ, वो भी हाथों में लिए हाथ। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। संगीत के साथ साथ हुआ मेहंदी का भी फंक्शन जहां हमें देखने को मिला बहुत कुछ स्पेशल। दुल्हन के साथ दूल्हे मिया के भी हाथों में भी सजा है सजनी का नाम। फाइनली सारी प्रैक्टिसेस करवा रही हूँ धीरे धीरे से। कल तो इन्होंने मुझे खाना भी खिलाया क्योंकि मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, सो खाना खिलाने का भी जिम्मा इनका था। और आपने इनको खिलाया कि नहीं खिलाया? इनके हाथों में भी मेहंदी लगी, इनके हाथ में तो मेरा नाम भी है। गोल्डन एंड पिंक गाउन में वंदना लग रही थी बेहद खूबसूरत, तो दूल्हे मियां की जूट की शेरवानी का भी नहीं था जवाब। और तब तो और बन गई बात जब अमन ने अपने हाथों से पहनाई होने वाली बीवी को लाख की चूड़ियां, जिसे पहन सज गई दुल्हन की चिट्टियां कलाइयां। हमने कोशिश यही की है कि जो क्लोथ्स हमारे हों वो कोऑर्डिनेटेड हों, भले ही वो संगीत मेहंदी के लिए है या कल मैरिज के लिए या फिर रिसेप्शन के लिए। सो एक और एक कोऑर्डिनेशन में अच्छा भी लगता है कि दो लोग जो कपड़े अच्छे पहने हैं और एक अच्छे डिज़ाइनर या किसी ग्रुप ने जो कपड़े हमें दिए हैं,
सो वी आर हैप्पी विद द आउटफिट्स एंड ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. आज ये कैसी लग रही है इनके बारे में? बहुत खूबसूरत. कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, मतलब शी इज लुकिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर आई हैव मेड द राइट चॉइस. ये तो हमेशा से ही बहुत ही हैंडसम लगते हैं. सो टुडे आल्सो ही इज लुकिंग स्टनिंग. आई एम वेरी हैप्पी विद माय चॉइस. अमन और वंदना के संगीत में परिवार वालों के साथ साथ उनके करीबी दोस्तों ने भी आकर इस शाम की रौनक बढ़ाई, जिसमें वंदना की वारिस की स्टार कास्ट और शिवाय यानी हिमांशु सोनी पत्नी संग आए, और उसके बाद जो महफिल में रंग जमा वो आप खुद ही देखिए. अमन और वंदना की नई जिंदगी के लिए सभी दोस्तों ने उन्हें दी ढेरों बधाई और साथ ही साथ किया विश विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्माइल्स. एडवाइस हम बस यही करना चाहेंगे कि ऐसे ही हम सब साथ मिलकर के इन खुशियों को बांटते रहें, क्योंकि ये लम्हा एक ही बार जीवन में आता है और मैं चाहता हूँ कि ये लम्हा ऐसे ही बरकरार रहे और इसके बाद हमारे बच्चे आए और वो आपको इंटरव्यू दे के पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं. दोनों साथ में रहें, खुश रहें और हैप्पी एंड दे ग्रो. मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अमन और वंदना को. वंदना मेरे साथ शो में है और बहुत अच्छी लड़की है. अमन इज वेरी लकी टू हैव हर एंड ऑल द बेस्ट टू देम एंड आई विश देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. मैं तो वंदना और अमन को लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. और वंदना के संगीत और मेहंदी के फंक्शन का छोटा सा एक्सक्लूसिव नजराना. लेकिन अमन और वंदना की शादी की हर अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना. आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया. कसम के अंदर करवा चौथ मनाया जा रहा है. बताइए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पुरानी खबर क्यों चला रहा है. दरअसल ऐसा ही हो रहा है उस सीरियल के अंदर, तो मैं क्या करूं बताओ. मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं कि ऐसा क्यों. करवा चौथ को गुजरे एक महीने से ज्यादा हो गया, यहां पर अब क्यों मनाई जा रही है. हो सकता है कि दिवाली पर इनको भी कैलेंडर मिला हो, लेकिन पिछले साल का. बजाए ताली वो मुझको देखे, मैं इसको देखूं, वो मेरा सोचे, मैं इसका सोचूं, इसको गलती से चूमूं तो देती है वो गाली. एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो लोग अपनी एक बीवी से परेशान होते हैं. यहाँ तो ऋषि मियाँ दो दो मोहतरमाओं को संभाल रहे हैं. एक तरफ है घर वाली तो दूसरी तरफ है बाहर वाली. एक को संभालो तो दूसरी हो जाती है मतवाली. जी हाँ, ऋषि का हाल आजकल घर में यही चल रहा है. वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार. ऋषि की जिंदगी में 100 तो नहीं पर 2 बीमार जरूर है. मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम,
शुक्रिया मेहरबानी करम। दरअसल ऋषि दो दो लड़कियों के चक्कर में फंस गए हैं। एक तरफ है तनुजा तो दूसरी तरफ है मलाइका, और इन दोनों मोहतरमाओं ने रखा है ऋषि के लिए करवा चौथ का व्रत। इन मलाइका के उसमें थॉट में और रानू आंटी के हिसाब से मलाइका अभी तक मेरी और ऋषि की जो भी फंक्शन हुए थे, सगाई वो सब हुआ हुआ है, तो और ऋषि ने क्योंकि मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा, तो वो अभी भी इसी उम्मीद में बैठी हुई है कि उसकी शादी ज़रूर होगी, तो वो उसे अपना होने वाला पति मान के अभी भी उससे शादी करने के ख्वाब देख रही है, इसलिए उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। की लंबी उम्र के लिए मलाइका और तनुजा ने रखा है करवा चौथ का व्रत। अब तो बेचारे ऋषि बुरे फंसे, जाएं तो जाएं कहां। हमें पता है आप यही सोच रहे होंगे कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर करवा चौथ। अजी जनाब, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये टीवी की दुनिया है जहां सब कुछ पॉसिबल है। फिर करवा चौथ तो बड़ी छोटी सी चीज है। फिलहाल बेदी हाउस में एक नहीं दो दो चांद ने दंगल मचाया हुआ है। मैंने खुद भी सीन नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे सीन पढ़ती हूँ उसी टाइम सेट पे आती हूँ, तो अभी वो सीन आई थिंक हम दो तीन दिन बाद शूट किया, कल या परसों व्हेनेवर वी विल शूट, तो हमको उसी टाइम स्क्रिप्ट मिलती है, तो इवन आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट सम ड्रामा। खैर, एक तो बीवी है, उसका तो व्रत रखना बनता है। मलाइका को क्या जरूरत आन पड़ी, ये तो वही बात हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब व्रत रख ही लिया है तो क्या करें, तुड़वाना तो पड़ेगा ही। अब ऋषि मियां के सामने आने वाला है धर्म संकट, बीवी का व्रत खुलवाएं या दोस्त का। इससे अच्छा तो ब्रह्मचारी ही ठीक थे ऋषि जी। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। ये बोले वो आला, वो बोले मी आले। हमारे देश में जितने भी पति लोग हैं, पत्नियों को चाहे जितनी भी धमकी दे लें, उस पे कोई असर नहीं पड़ता है। जी, हमारे पड़ोस के जो पिस्ता भैया है ना, कल पुष्पा भाभी से लड़के घर से बाहर जा रहे थे। पुष्पा भाभी ने पूछा, सुनो कहाँ जा रहे हो, वो बोले मैं जान देने जा रहा हूँ। भाभी बोली, अच्छा सुनो, जान देने जा रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं, अगर रास्ते में कहीं मूड बदल जाए तो आते वक्त 1 किलो प्याज लेते आना। पिता से है नाम तेरा, पिता पे है जान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, से वो सांस मिली है पिता, रब तेरा आखिरकार रूही को मिल गया पापा रमन का साथ। आज रमन ने भी बयां कर दिया अपने पिता होने के सारे जज्बात। परेशान रूही को किसका सहारा था, एक पापा रमन ही तो हैं जिसके प्यार का रूही को आसरा था। बहुत मुश्किलों के बाद हुआ है एंड बहुत क्यूट सा पैचअप इसलिए था क्योंकि पापा ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इनिशिएट किया, कुछ गुस्से के अलावा उन्होंने कुछ किया है, और पापा मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाए हैं। पापा ने सॉरी तो डायरेक्टली कभी नहीं बोला, बट पापा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जिससे मुझे बेटर फील हो एंड हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। रूही का बन गया है MMS, जिसे देखकर वो आ गई है टेंशन में, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अपनों का साथ हो वहाँ कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो बस पापा रमन और ईशिमा ने ठान लिया है वो निकालेंगे हर प्रॉब्लम का सलूशन। एक MMS स्टूपिड सा बनाया हुआ है किसी ने, अब वो MMS देख के मैं रो देती हूँ।
क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है एंड इशमा की मुझे सपोर्ट करती है। अब इशमा का तो सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी, बट पापा जो छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा हो जाते हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं MMS देख के क्या करेंगे, और उनको ऑब्वियसली लगेगा कि सुहेल ने ये सब किया है, तो मुझे लगता है कि वो उससे जाके उसकी जान ही ले लेंगे। बट देन उल्टा होता है, पापा इसमें बोलते हैं कि उन्हें उनका और इशमा का मुझे इसमें पूरा सपोर्ट है। चलिए अच्छा है, इसका मतलब वो गुनहगार जल्द होगा सबके सामने, जिसने आपको फंसा दिया है इस मुसीबत में। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी दो लोग चलते चलते जब आपस में टकरा जाते हैं तो एक दूसरे को घूरते हैं ऐसे। मेरा मानना है कि भाई पहले घूर लेते तो टकराने की नौबत नहीं आती। सही कह रहा हूँ, बेवकूफ लोग। अरे यार, जब टक्कर देनी है तो इंसान को नहीं, इंसान के काम को दो। जैसे कि हमारी खबरी भाभी, अगर किसी में दम है मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारी खबरी भाभी की तरह कोई खबर सुना के दिखाए तो मानू। खबरी भाभी राम झूठ ना बुलवा सकी। आज ना अपनी दिव्यांका मैडम का जन्मदिन बा, जिसे उन्होंने हमारी भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम के संग मनाया। देखे तो उनके पति ने कैसा सरप्राइज दिया उनको। खबरी भाभी राम झूठ ना बुलवा सकी। अरे अपने निया शर्मा बाना, वो एशिया की तीसरी सबसे सेक्सी लड़की बन गई है। बॉलीवुड हीरोइन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। हाँ हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी राम झूठ ना बुलवा सकी। अब हम आपको एक ठो बहुत एक्सक्लूसिव खबर सुनाते हैं। अपने सुपर डांसर की विनर बन गई है दित्या अजी, और क्या, और जीत लिया है 100 का ट्रॉफी। ई देखा खबरी भाभी। सीरियल शक्ति के अंदर प्रीतो चाहती है कि हरमन सौम्या को छोड़कर सुरभि से शादी कर ले। बताओ भाभी, ये तो वही बात हो गई कि बेटा तुम इससे नहीं इससे मरो। कमाल है यार, चाकू बदल देने से इंसान की मौत थोड़ी बदल जाएगी, वो तो तय है। है सजा जिसे करते हैं प्यार बे इंतहा, उसी से दूर जाने की ढूंढ रहे हैं वजह। कुछ ऐसा ही है हाल आजकल सौम्या का। सौम्या कर रही है कोशिश हरमन को शादी के लिए मनाने की। सौम्या चाहती है कि हरमन कर लें किसी और से शादी, क्योंकि सौम्या से ज्यादा हरमन की माँ है ये चाहती। लेकिन हरमन भी नहीं है इस बात के लिए राजी, क्योंकि हरमन के दिल में तो अब सौम्या ही है बसती। मेरा एकमात्र टास्क है कि अब मैं हरमन जी को सुरभि से शादी करने के लिए मनवाऊं। ऑफ़ कोर्स हरमन जी मेरी बात नहीं मान रहे, पर मम्मी जी ने बहुत प्रेशराइज किया है, किसी भी तरीके से मुझे उन्हें राजी करना है। बेचारी सौम्या किस मुश्किल में आ फंसी, अपने ही पति की शादी किसी और से करवानी है पड़ रही। क्योंकि सौम्या है एक किन्नर तो वो नहीं बन सकती है माँ, और घर वालों को चाहिए एक वारिस, तो बस वही समझाने की कोशिश कर रही है सौम्या। वो इस घर को वारिस भी नहीं दे सकती है, तो ऐसे हाल में क्या किया जाए उसके लिए खुद एक बहुत बड़ा प्रश्न कह सकते हैं, और वो अब उसे कैसे डील करेगी। हरमन भी करें तो क्या करें, उन्हें भी है सौम्या की चिंता। क्योंकि अगर एक बार हरमन की शादी किसी और से हो गई तो हरमन की माँ सौम्या को घर से निकाल देगी। इसीलिए ना ही हरमन खा रहे हैं खाना और ना ही ले रहे हैं दवाई। लेकिन सौम्या को रोता देख हरमन को भूख लगाई, क्या पता इसी बहाने सौम्या के चेहरे पर आ जाए स्माइल। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो भाभी जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजरता हूँ,
एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजरता हूँ। और मुझे जो सही लगता है। तो भाई टीवी की मशहूर और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी जी का बर्थडे आ रहा है। हैप्पी बर्थडे विवेक भैया। मुझे एक बात और पता चली है कि इसी दिन आपने दिव्यंका भाभी को प्रपोज भी किया था, है ना? आपके सही है भाई, बिल्कुल सही है। नोटबंदी के इस माहौल में वैसे ही लोग सोच रहे हैं कि कम पैसा खर्च हो, आपके तो वारे न्यारे हो गए, बर्थडे पार्टी भी हो जाएगी और एनिवर्सरी भी। तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा सौ दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। और आप सबकी फेवरेट दिव्यांका त्रिपाठी का बर्थडे, और इस बार वो बर्थडे पे अकेली नहीं होंगी, इस बार उनके साथ होंगे उनके हैंडसम पति विवेक दहिया, जो इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पर। मतलब क्या कर रहे हैं विवेक? क्या मैं वार्म अप कर रहा हूँ, स्ट्रेच भी करना है जरूरी है। ओके या आई एम गेम रेडी। क्या करना है इस बार बर्थडे पे? मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं दिव्यांका के, इसलिए इतना वार्म अप कर रहे हैं। वो एक्चुअली उन्होंने जो बर्थडे की जो एक्सपेक्टेशन थी, नॉट एक्सपेक्टेशन बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो उन्होंने जो ग्राफ था वो बहुत ऊपर सेट कर दिया है मेरे बर्थडे पे सरप्राइज देके, एंड यू वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल, दैट वाज पार्ट ऑफ द सरप्राइज, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। सो देन आई हैव टू नॉट मैच अप टू हर लेवल बट बी एटलीस्ट नियरली देयर लाइक हाफ। सो इस बार मैंने अपने गालों से कुछ गुब्बारे फुलाए हैं। सो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं जगह को, एंड कम बी अ पार्ट ऑफ इट। नीले पीले हर कलर के तू खेल जी भर के, ऐ दिल तुझे पता है, ऐ दिल तुझे पता है, ये लम्हे और क्या है जान, किस्म किस्म के हैं गुब्बारे गुब्बारे। Happy birthday to you! Birthday's my God! My God! Okay, hi everyone. I'll act decent. I'm so surprised. You're actually surprised? Obviously, I'm surprised. You're successful. बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। हम एक्टर्स हैं। आया फूल मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया है। आया ना कुछ अभी? बर्थडे का सरप्राइज मुझे लग रहा है अब तक खत्म नहीं हुआ है, अब तक सिंकिन हुई फीलिंग फाइनली कि विवेक ने इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया। कैसे कर पाए? मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइजेस देता रहूंगा। Wow, I really like it, रुचिका, विवेक, रिया। तुम लोग मतलब कमाल हुई, मेरे को शॉपिंग करने से रोक ही नहीं रही थी, कराई जा रही कराई जा रही। मैंने कहा बड़ा पेशेंस है और लड़की में, मैंने चलते हैं घर। नहीं नहीं भाभी और शॉपिंग करो। अब समझ में आया, she was buying time. अच्छा ये बातें ज्यादा स्पेशल है क्योंकि विवेक तो है और साथ में रिया भी आई हुई है ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़, तो इस बार डबल सेलिब्रेशन है। एब्सोल्युटली इट्स डबल सेलिब्रेशन फॉर अस, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरे साथ में बर्थडे में मेरी फैमिली हो, एंड माय फैमिली इज विद मी टुडे। शाम आती है तुमसे ही, तुमसे ही। रिया कुछ कहना चाहोगी भाभी के लिए? वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर, ऐसे ही हंसते रहो,
बहुत प्यारे लगते हो। हंसती रही ऐसे गाना गाओ। गाना गाते नहीं ऐसे नहीं ऐसे गाओ ना नहीं थोड़ा सा नहीं नहीं हंसती रहे तू हंसती रहे हया किला नहीं ऐसे मुझे पता है क्या मैंने क्यों बोला हमें ना हमारी वेडिंग की फिल्म मिल गई जो तुम देखना चाहोगी तुम और हमारी वेडिंग की फिल्म में इन्होंने गाना गाया है मेरे लिए ओह माय गॉड हैप्पी बर्थडे टू यू एनिवर्सरी टू दिव्यांका हैप्पी बर्थडे टू यू birthday Divyanka D. Divyanka D. From DD. From Ananta Dilani, Gracie, Gayatri, Moni, Renuka, Sia, Tuki. भाई तुम लोग कितने बार gift भेजते हो? इसमें लिखा है handle with gift. Already मेरे पास आ चुके हैं. फिर से तुम लोगों ने gift भेजे. शाम आती है तुमसे ही तुमसे ही क्या बात कर रही हो क्या बोल रही हो नहीं नहीं कपड़ा नहीं 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 ये नहीं हो सकता कुर्ता नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता यकीन करो ये सब सच है दिल पे पत्थर रख कर यकीन कर लो चिट्ठी आई है हैप्पी बर्थडे दिव्यांका होप यू लाइक दिस गिफ्ट दी इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू मेक वन सेल्फीज विद दिस गिफ्ट अनंता दिलानी ग्रेसी गायत्री मौनी रेणुका सिया टुकी वी लव यू दी आई लव यू टू दैट इज सो नाइस दैट्स अ नेम प्लेट वाओ सो स्वीट यू नो व्हाई Why? ये मुझे लगता है दो तीन अलग अलग लोगों ने अलग अलग पार्टीज ने डिसाइड किया कि मेरे रूम के बाहर के लिए उन्हें नेम प्लेट देना था तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी Wow, I like this work on it. Yeah, yeah, it's very nice. बहुत अच्छा किया है. Thank you, girls. You are so sweet, so so thoughtful. Actually, thank you. Wow. That's a unique gift. Yeah. अगला वाला है कल्याणी और गायत्री की तरफ से नासिक से. Oh. इन लोगों ने हाथों से बनाया मुझे लग रहा है. See? So sweet. Mrs. Dahiya, happy birthday, Mrs. Dahiya, from Gayatri and Kalyani. अरे वाह वेरी नाइस बहुत अच्छी awesome हो यार तुम लोग रियली मतलब कैसे आप कैसे कर लेते हैं ये सब हाँ इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस टैलेंट है ये है ना मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड शॉक्ड एंड व्हाट नॉट एंड थैंक यू सो मच रुचिका द सरप्राइज ऑन योर बर्थडे इज डोंट टेल मी दैट देयर इज नो सरप्राइज सो आप मतलब ये इन्होंने तो बोल दिया है कि सरप्राइज नहीं मिलने वाला आपको कुछ भी आपके बर्थडे पे तो डिसअपॉइंटेड है आप हां रुचिका डिसअपॉइंटेड तो हूं मैं बट फिर भी मुझे लगता है कि नहीं भी बोल के मुझे सरप्राइज तो दे ही देंगे दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूं बता कि मैं हूं हीरो तेरा एक साल पूरे हो जाएंगे जब आपने प्रपोज किया था दिव्यांका को वो अंगूठी पहनाई थी घर वालों के सामने वन ईयर कितनी जल्दी टाइम निकल गया पता भी नहीं चला इतनी मुश्किल से अंगूठी खरीद के लाए थे तो मेरी एक फ्रेंड को इन्होंने भेजा था मेरे सेट पे और बोला कि उसकी एक अंगूठी का साइज पता करो पहले तो बेचारी ना वो बड़ी परेशान हो गई कैसे अब वो लेकर आई एक अंगूठी मेरे लिए
साइज पता करने के लिए. अब उसने मुझे पहनाई इस वाले रूम, इस वाले फिंगर पे. एक साल की परंपरा हम कायम रखेंगे. Will you marry me? Always. Again. On that note, happy anniversary and happy birthday. And lastly, message to all the fans जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, विवेक को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतने सारे birthday wishes भेज रहे हैं, gifts भेज रहे हैं. न्यूज 18 के सभी दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस और हमारे फैंस को बहुत 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 धन्यवाद. न्यूज 18 भाभी तेरा देवर दीवाना, आप लोग बहुत प्यारे हो, आप लोग इतने एफर्ट्स करते हो, हमें इतने अच्छे सरप्राइजेस देते हो कि हमारा जो बर्थडे जो नॉर्मल होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है. तो थैंक यू सो मच भाभी तेरा देवर दीवाना, मैं भी तेरा दीवाना. थैंक यू सो मच. सो एंजॉय योर बर्थडे और खूब मजे करो और जाके अब बर्थडे एंजॉय करो. हम और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे वरना ये मुझे भी खूब पीटेगी. सो बाय. कैमरामैन राजेश और रितेश के साथ रुचिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया मुंबई. बातों ही बातों ने फिर कुछ दिन मुलाकातें. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो नाग नागिन वाले कपल होते होंगे ये आपस में गाना क्या गाते होंगे. लड़का गाता होगा, हाथों में आ गया जो कल के चुल आपका, और लड़की गाती होगी, के चुली उड़ के नाचूं के चुली. भाभी आप एक काम करो, अगली खबर देखो, मैं तब तक हंस लेता हूँ. चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम. यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे. रुद्र ने बचा ली है शिवांगी की जान, जो केचुली शेषा और यामिनी करने वाले थे कुर्बान. उस केचुली को सही सलामत वापस ले आए रुद्र. इस केचुली को शिवांगी को सौंप कर रुद्र ने निभा दी अपनी दोस्ती. आज अगर रुद्र वक्त पर ना पहुंचते तो हो सकता है शिवांगी खतरे में पड़ जाती. रुद्र ने तो अपनी दोस्ती निभा दी, अब बारी है शिवांगी की. रुद्र के ऊपर एक नहीं दो दो पहाड़ एक साथ टूट पड़े हैं. एक तो रुद्र बेचारा फंस गया है महिषासुर के चंगुल में, दूसरी तरफ उसको छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुई है शैतानों की टोली, जिसमें शामिल है यामिनी, शेषा, एंकी, अवंतिका और कपाली. यानी रुद्र मियां आसमान से गिरेंगे तो खजूर पर अटकेंगे. अब तो क्रॉस रोड्स पे है, क्योंकि मैं उनको बेवकूफ बना के मैं रुद्र, अब मैंने एंकी 82 के साथ टीम अप कर लिया है, तो अब ऐसा हो गया है कि नाउ दे आर अगेंस्ट मी. उनको ऐसा लगा कि कॉन्स्पिरेसी कर रही हूँ, बट बेसिकली वो मैं नहीं हूँ जो वो समझ रहे हैं, वो कोई और है. सुधा जी कहती है कि मेरी काली नागिन एक सिंगम है, वो ही जाके लड़ेगी उसे. सो आई एम लाइक, मैं क्यों जाऊँ, यू नो. सो यस, हमारी प्लानिंग तो चल रही है नागमणि के लिए, जो कि उठा दी गई है. सो लेट्स सी हम उसे वापस कैसे लाएंगे. यानी रुद्र को मिला है पांच का पंच, लेकिन ये पांच पापी यहाँ रुद्र की मदद के लिए आए हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि सिर्फ रुद्र को ही पता है कि नागमणि कहाँ है. ऐसे में अगर रुद्र को कुछ भी हुआ तो हाथ से मणि तो जाएगी ही, साथ ही शिवांगी भी इनकी जान ले लेगी. फिलहाल तो रुद्र को छुड़ाने के लिए लड़ना होगा भैंसे से, पर ये लड़ाई करेगा कौन? कौन आएगा सामने जो रुद्र के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को है तैयार? मैंने बोला था काली नागिन को मैं बेचती हूँ, तो इतनी तो बात करती है वो. अब वो एक भैंसे के सिंग तोड़ने को वो तैयार नहीं है. शी डजंट वांट टू गो.
बट सबको नागमणी चाहिए। अभी ये मुकाबले के बाद जो रुद्र पकड़ा गया है वो सीन है, तो इसलिए अब हम जानते हैं कि वो महिषासुर काफ़ी ताकतवर है और ऑफकोर्स नागिन को खतरा है उससे। सो मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं भैंसे के साथ मुकाबला नहीं करना चाहती, इस बार मुकाबला करेगी यामिनी। नागमणि सबको चाहिए लेकिन उसके लिए लड़ना कोई नहीं चाहता, मलाई सब खाना चाहते हैं। नहीं देखिए, लड़ तो सब रहे हैं, आपने अगर देखा हो तो नागिन और मधुमक्खी जा जा के सबके साथ लड़ते हैं, लेकिन इस बार यामिनी ने काम बिगाड़ा है तो वही ठीक करेगी। कोई नहीं है तैयार जो रुद्र के लिए लड़ाई करे। नागमणि की मलाई तो सबको चाहिए लेकिन इसके लिए कोई मेहनत करने को तैयार नहीं, पर रुद्र की ये दोस्त उसकी मदद करेगी और महिषासुर से उसकी रक्षा करेगी। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल ये रिश्ता के अंदर पहले तो कार्तिक पर इल्जाम लगा और जब वो सही साबित हो गए तो फिर उन्हें नायरा मनाने के लिए पीछे पड़ी हुई है। कार्तिक भाई मैं बता रहा हूँ, मानना मत, ऐसा मौका फिर नहीं मिलता है। एक लड़की आपको सॉरी बोलने के लिए पीछे पीछे घूम रही है, मैं बता रहा हूँ वो अलग अलग तरह के पैतरे आजमाएंगी। वो ये भी कह सकती है कि लाओ मैं तुम्हारे पुराने 1000 के नोट रख लूँ, क्योंकि आजकल ना लोग ऐसी बातों पर भी टूट जा रहे हैं। लेकिन आप मत टूटना, मैं बता रहा हूँ अगर आप मान गए ना तो मैं मुंह फुला लूंगा आपसे। मैं सीरियल ये रिश्ता के बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं। खफा ही तो है नायरा का प्यार, तभी चुरा रहे हैं कार्तिक उससे नजरें बार बार। ना जाने नायरा ने कितनी कोशिश की कार्तिक को मनाने की, लेकिन कार्तिक ने भी ठान लिया है कि वो करेगा अपने मन की। कार्तिक से नैतिक ने भी मांगी माफी और कह दी अपनी बात सारी। मिस्ट्री के बर्थडे के लिए सिंघानियास जो है वो गोइंकास के घर पे आते हैं और वहाँ पर इनवाइट करते हैं उन्हें, और वहाँ पे जब इनवाइट करते हैं तब नैतिक जी और राजबन्ना जी अपने हाथ जोड़े उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं और कार्तिक को देख के बहुत गुस्सा आता है, उनसे कहते हैं कि प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगने की। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, कैसे कैसे से मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं है। इतने वक्त बाद मिश्री के बर्थडे ने मौका दिया नायरा कार्तिक को साथ आने का, और उस मौके का फायदा भी नायरा ने काफी उठाया। लेकिन कार्तिक की नाराजगी इतनी जल्दी कहां जाने वाली है, जख्म अभी हरे हैं, इसीलिए तो उसको भरने में अभी वक्त बाकी है। तो वहाँ उसी मार्केट में कार्तिक को याद आता है कि मिष्टी कार्तिक की BFF का बर्थडे है, तो मिष्टी का बर्थडे है तो ऑब्वियसली कार्तिक मिष्टी को हर्ट तो कर नहीं सकते, मिष्टी को नाराज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ आते हैं मिष्टी को विश करने और विश करके चले जाते हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कार्तिक को देख के कि अभी मेरे पास मौका है, मैं कार्तिक से माफ़ी मांग सकती हूँ, कार्तिक से बात कर सकती हूँ, लेकिन कार्तिक मुझसे बात नहीं करना चाहते और वहाँ से चले जाते हैं। पहले सॉरी लिखा, फिर खेल खेल में खुद को कार्तिक से बांध लिया, लेकिन कार्तिक ने नायरा की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। मैं पेबल से लिखती हूँ आई एम सॉरी, एक की चेन देती हूँ जिसमें लिखा है सॉरी, क्या क्या नहीं कर रही हूँ मैं कार्तिक को मनाने के लिए, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। सबके सामने सबको, बाकी सबको माफ़ कर दिया है, उन्होंने अपनी फैमिली के सामने भी और एंड स्पेशली उन्होंने अपने फादर के सामने उनसे कहा है कि मैं तो माफ़ कर ही रहा हूँ, बाकी और भी किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सो वो एक अंडरस्टेटमेंट भी चला गया अपने फादर को, और यहाँ पर आकर सबसे जता चुके कि ही इज़ ओके विथ एवरीथिंग, और सिवाय नायरा के ऑफ कोर्स, बिकॉज नायरा इज़ हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जो इंसान आपसे आपका नंबर वन होता है जब वो हर्ट करे, जिससे तो आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसकी छोटी सी
चीज़ भी आपको थोड़ी बुरी लग जाती है अगर और ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो नायरा ने कार्तिक पे लगाया था। कोशिश नायरा ने की लेकिन कार्तिक ने नायरा की हर कोशिश फेल की। अब देखना ये है कि फिर होगा प्यार या जारी रहेगी ये दुश्मनी। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी, एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, भाई साहब आप अमेरिकन हो क्या? वो बोला, नहीं हम नेपाली है। अरे नहीं यार, नेपाली कैसे हो सकते, तुम अमेरिकन हो। अरे नहीं हम बोल रहे हैं ना कि हम नेपाली है। नेपाली? अरे नहीं यार, तुम अमेरिकन हो। ओ, हम नेपाली है। अमेरिकन हो? हाँ ठीक है, हम अमेरिकन है। अच्छा तो तुम अमेरिकन हो तो नेपाली क्यों लग रहे हो यार? कुल मिला के बात ये है भाभी कि कुछ लोग दुनिया में सिर्फ दिमाग खाने आते हैं। बेचारे राघव, शादी भी हुई और शादी का सुख भी ना मिला। नई दुल्हन घर में आई और राघव मियां लग गए खुद ही उसकी सेवा करने में। अब करें भी तो क्या करें, रूठी हुई बीवी और सूखी हुई रोटी किसको पसंद आती है भला। इसलिए बीवी को मनाने के लिए राघव ने निकाला है ये तरीका। कभी उनको सरप्राइज देते तो कभी चाय बना कर रख देते तो कभी अपनी प्यारी बातों से नैना को हंसाते। यानी राघव फुल टाइम जोरू का गुलाम बन गए हैं। अपनी सुंदरता का फायदा उठा रही है ये। अभी बहुत जल्द पैर भी दर्द हो रहे होंगे तो दबाएगा, कपड़े भी धोएगा, सब करेगा। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो। नैना और राघव की शादी भले ही धोखे से हुई हो और नैना राघव से आजकल नाराज भी चल रही हैं, लेकिन राघव अपनी बीवी को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग, आई थिंक यू नो हस्बैंड वाइफ वंस वी आर ऑफ कोर्स मैरिड नाउ, सो वो हो गया दैट ओके वी आर एंग्री विद ईच अदर, बट ही इज द ओनली पर्सन आई एम लिविंग विद, लाइक ही इज द ओनली पर्सन आई सी ऑल डे, आई डोंट हैव एनीवन एल्स। मैं मेरी माँ या भाई या उनके माँ तो जाती नहीं हूँ, तो आई थिंक ऑल डे बिकॉज आई एम विद हिम, झगड़ा भी उसी के साथ होता है तो हंसी मजाक भी उसी के साथ होता है। सुबह ब्रश करने से पहले वो कपड़े धोता है, कपड़े भिगोता है, फिर बेडिंग करता है, फिर नहाते हुए कपड़े धोता है, फिर पूरे घर की सफाई करता है, चाय बनाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर काम पे। नैना अपनी शादी को शादी नहीं मानती, लेकिन फिर भी राघव लगे हुए हैं अपनी बीवी को खुश करने में। उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए राघव हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, तो एक बार और अर्ज किया है कि थोड़ी मस्ती थोड़ा मैजिक, एंटरटेनमेंट भी थोड़ा थोड़ा, थोड़ी मस्ती थोड़ा मैजिक, एंटरटेनमेंट भी थोड़ा थोड़ा, और लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दम पे मारा है थोड़ा, यही है घोड़ा, टूट गया है थोड़ा, मेरे लिए बनाओ पनीर पकौड़ा। दुनिया में हर चीज फटाफट हो रही है, इसलिए मैंने यह घोड़ी गोद ली है, यह हर काम फटाफट करेगी बड़े होके। बाकी घोड़े हिन हिन करते हैं लेकिन ये नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर हिन की भावना नहीं है। She is good, touch wood, let's go to Bollywood, बसंती की धंधों की बेटी, हिन 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 हिन। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको छोटे पर्दे पर शुरू होने वाले नए सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान की खबर, जिसकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पहुंची सीरियल की पूरी स्टार कास्ट, जहां दिखाया गया कि शो की क्या होगी कहानी, कैसे बेटियां बनेंगी माँ का स्वाभिमान। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल साथे के सेट पर, जहां जग्गी को हो गई है जेल क्योंकि सबको लगता है कि उसने ली है एम की जान, लेकिन गोपी को है जग्गी पर पूरा विश्वास, तभी तो दे रही है जग्गी को इंसाफ दिलाने में उसकी माँ का साथ। जाते जाते आपको दिखाते हैं सिमर के ससुराल का हाल, जहां पीयूष है वैद्य के बर्ताव से परेशान, जिसके लिए देने पहुंची सिमर पीयूष को ज्ञान। तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी पहुंच गई है सिमर के पास किचन में बटाने उसका हाथ, ताकि माँ के जरिए पा सके बेटे का प्यार।
सिमर के साथ तो प्लान नहीं कर रही, लेकिन मैं खुशी जी के साथ, मतलब केबी के साथ प्लान कर रही हूँ। वो अब उनका प्लान है कि जैसे मैं पीयूष से प्यार करती हूँ, रोशनी बहुत प्यार करती है, और उसने वैदही के पास जाके उसे बहुत कुछ बोला, जिसकी वजह से वैदही चली गई घर से। तो अब खुशी ये प्लान कर रही है कि अब घर की बहू आएगी तो वो चाहती कि मैं बन के आऊँ, तो इसलिए मैं जाके किचन में हाथ बटा रही हूँ छोटी माँ का, पीयूष के लिए हलवा बना रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस बोथ मदर एंड सन। भाभी तेरा देवर दीवाना।